السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان الله. आमतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बल्ला बना रसूलुल्लाह नबीउल अमीनुल मकीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला धारिका नमिने शाहिदी मुशाकिरी मुशाकिरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लम है तो भी मोहम्मद और मौजेज़ा है तो भी मोहम्मद।
कि इस दुनिया में नबी जो आता है तो कैसा नबी आता है मालूम है? दुनिया में जो चलता है उसका तोड़ करने वाला नबी आता है, जिसका जो जोर चलता था उस जोर को खत्म करने के लिए अल्लाह एक नबी को भेजता है। इतना वक्त नहीं है, ये ज्यादा हमें इकराम की सीरत और सूरत पर गुफ्तगू करें, मगर दो मिसालें देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब भेजा तो वो दौर कौन सा था मालूम? डॉक्टरों का दौर था, हकीमों का दौर था, तबीबों का दौर था, उनकी शाखें बसती थी। डॉक्टरों का इतना होल्ड और इतना वजन था, इतना दबदबा था, नब्ज पकड़ देते थे, दो तीन टैबलेट दे देते थे, अच्छे से अच्छे बीमार को और उसकी बीमारी को खत्म कर देते थे, अच्छे से अच्छी बीमारी। अब चारों तरफ डॉक्टरों का, तबीबों का, हकीमों का दौर था। अब इस दौर में खुदा ने नबी भेजना चाहा तो ऐसा नबी भेजा। कैसा नबी भेजा? ऐसा नबी भेजा कि तुम पे इस्तेदार नहीं तो मुर्दा जिंदा। अब ये मुर्दे को जिंदा करना भी बहुत बड़ी कमाल की बात है। देखो ये अंधों को देखते भी कर देते थे, लंगड़ों को चलते कर देते थे, मगर मादर साहब जो अंधे होते थे उनसे ठीक नहीं होते थे। बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े हकीम थे, मगर किसी हकीम ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। मुर्दों को जिंदा करने वाले तमाम तबीबों के तबीब हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, बस उनको इस्मिल्लाह कह देते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। चारों तरफ जब एक शोर हुआ, चर्चा हुआ, दुनिया के तमाम डॉक्टर और हकीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस जमाने में जिसका जो जोर होता था उस जोर को दबाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ऐसा ही नबी बनाकर भेजता था। अब सरकारी मदीना जब तशरीफ लाए वो दौर पर सब मालूम है, काहिनों का दौर था। गैर गैर की बातें बताने वालों का बहुत जोर था। गैर की बातें बताते थे जादू के जरिए, इनका बहुत पकड़, उनका बहुत होल्ड था। और आम लोगों में ये चर्चा करते थे कि हम गैर की बातें बताते, आओ उनसे पूछो, माजी पूछो, हाल पूछो, मुस्तकबिल पूछो, यहाँ का पूछो, वहाँ का पूछो, ये गांव का पूछो, वो गांव का पूछो, जवानी का पूछो, बचपने का पूछो, बुढ़ापे का पूछो। तो सरकारे मदीना के आने से पहले एक दौर था, वो काहिनों का था, जादूगरों का था, गैब की बातें बताने वालों का था। इन काहिनों का, इन गैब की बातें बताने वालों को जरबा और जवाब देने के लिए अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा जो खैरदार है। देखिए इशारा करते चले, कभी इंशाल्लाह सूरह यासीन की तफसीर में हम इसका जिक्र करेंगे। ये पहली बात कह देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत मुसलमान बैठे हुए, उसमें कुछ मुनाफिक भी थे। कैसे मुनाफिक? दाढ़ियां भी थी, चब्बे भी थे, रसूल अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, नबी के पीछे
नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कहता है वो मौबी मुसलमान नहीं थे, मुनाफिक थे, और किसी को पता नहीं था क्योंकि देखी बात नहीं। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महफिल में सब बैठे थे, सरकार मदीना फरमाते तू निकल जा, तू निकल जा, तू मुनाफिक है, तू निकल जा। 36 मुनाफिकों को सरकार मदीना ने नाम ले लेकर पुकारा और निकाल दिया। मगर उस जमाने के मुनाफिक भी बड़े होशियार थे, सरकार से बहस और डिस्कस नहीं की, जिसका नाम लेते थे तू निकल जा तो मुनाफिक है, तो मुसलमान नहीं है, तो मुनाफिक है निकल जा मुसलमान नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुका कर निकल गए। अजीब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन फारूक आजम नमाज पढ़ने में, फारूक आजम को देर हो गई, जैसे 32 या 36 को निकाले अल्लाह के नबी ने नाम ले लेकर, तो ये मस्जिद से निकले और फारूक आजम मस्जिद की तरफ आ रहे। जब इनको देखा तो फारूक आजम मन ही मन में कह रहे हैं आज मुझसे जमा छूट गई, नमाज पूरी हो गई, अफसोस कर रहे थे। मगर मुफस्सिर फरमाते हैं कि अफसोस दोनों को हो रहा था, मुनाफिकों को भी अफसोस हो रहा था और फारूक आजम को भी अफसोस हो रहा था। फर्क इतना था कि फारूक आजम को जमा छूटने का अफसोस हो रहा था, मगर ये मुनाफिकों को ये अफसोस हो रहा था कि ये जब हमको निकालने का बंदर नहीं थे। उमर इब्न खत्ताब जब हमको नबी ने निकाले तो अंदर नहीं थे, ये नहीं जानते थे, मगर इन्होंने भी हमको जान दिया कि मुनाफिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की बात, जमीन की बात, आसमान की बात, सरकार ने बताना शुरू कर दिया। जितने काहिन थे, जितनी झूठी कैद की बातें बताने वाले थे, सब मुस्तफा की बारगाह में सिलेंडर हो गए। देखिए एक बहुत प्यारी बात है, ये बात गालिबन बहुत ताजी ताजी है। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरदार अहमद, आप एक बात लिखते हैं कि मैं बरेली शरीफ में पढ़ता था दारुल उलूम, तो कभी किताबों के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, तो एक कुतुब खाने पर मैं पहुंचा। उस कुतुब खाने का जो मालिक था उसका नाम नूर मोहम्मद था, मगर अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक नहीं था। कितनी प्यारी दलील थी रसूलुल्लाह की इल्मे गैब पर, सरदार अहमद जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, जब मैं किताब लेने के लिए कुतुब खाने पर पहुंचा तो वो नूर मोहम्मद कुतुब खाने के मालिक ने एक तिनका लिया, तो एक टुकड़ा ले लिया, तिनका ले लिया कागज का, पान का, पत्ते का, और ऐसे तोड़ा। नूर मोहम्मद ने वो पत्ता तोड़ा और तोड़कर बताते हैं सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह से, पूछते हैं ये मैंने जो तिनका तोड़ा है क्या अल्लाह के नबी इस तिनके को जानते हैं? एक वहाबी ने ऐसा सवाल कर दिया। सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बोले थोड़ी देर के लिए तो मैं परेशान हो गया कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। बोले ये तिनका एक जर्रा क्या अल्लाह के नबी इसे जानते हैं? उस वक्त सरदार अहमद एक हदीस पाक बयान करते हैं, मा मिन शय इल्ला व युअल्लिमु इन्नी रसूलुल्लाह, मा मिन शय इल्ला व युअल्लिमु इन्नी रसूलुल्लाह। सरदार अहमद कहते हैं ए नूर मोहम्मद
इस हदीस को मानता है, बोले मानता हूं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि कोई ऐसी शय नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल न मानती हो। अब देखिए जरा ग्रामर पे चले, ये शय जो है शय, इसमें नकारा और इसमें नकारा नहीं होता, यानी इसका सीधा सा मतलब यूं होता है दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल न मानती हो न जानती। फिर सरदार अहमद ने पूछा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हर चीज मुझे नबी जानती है, अब आप बताओ ये जर्रा नबी को जानता है कि नहीं? तो नूर मोहम्मद कहते हैं हाँ, जब हदीस पाक में आया है कि हर चीज मुझे अल्लाह का रसूल जानती है, तो शय में ये तिनका भी आ गया। ये तिनका अल्लाह के रसूल को जानता है, अल्लाह के रसूल को पहचानता है। तो फिर सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब एक तिनका, जब एक तिनका रसूल की रिसालत को जानता है तो एक रसूल तिनके को क्यों नहीं जानता होगा। सामने किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर खूबियों का जामे बनाकर मुस्तफा को भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराफा बुरहान है, पैर के अंगूठे से लेकर माथे के बालों तक मुस्तफा का हर हर आजा मौजूदा है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे मौजूदे सरकार के आजा से मौजूदे जाहिर होते थे। आओ वक्त नहीं है, एक मुख्तसर बात कहकर बात को खत्म करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कान दोबारा भी मौजूदा, सरकार का ये कान दोबारा मौजूदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब भी कोई बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं उसके दरूद को सुनता हूं। अभी सरकारे मदीना फरमाते हैं जब मुझ पर कोई दरूद पढ़ता है, मगर दरूद पढ़ने के अंदाज अलग होते हैं, किसी ने कहा पढ़ो तो पढ़ लिया, ख्यालात में कोई पढ़ रहा है, कोई विचारात में पढ़ रहा है, कोई बेवजू पढ़ रहा है, कोई बेध्यान और बेतवज्जो पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा सच्चा उम्मती मेरी मोहब्बत में डूबकर जब वो दरूद पढ़ता है तो मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और दरूद पढ़ने वाले को मैं देखता भी हूँ। सामने की नाम अगर कोई एतराज करे तो इनसे कह देना देख हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता बनाया है जो सरकारे मदीना की चौखट पर रहता है और पूरी दुनिया की आवाज वो सुनता है। मैं ये बोल रहा हूँ वो फरिश्ता सुन रहा है, आप सुभान अल्लाह बोलते हैं वो सुन रहा है, आप क्या बोलते हैं सुन रहा है, कहाँ से बोलते हैं सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं सुन रहा है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्ता है जो दुनिया की तमाम बातें सुनता है, यहाँ तक कि तुम दरूद पढ़ते हो सुनता है और मुझे मैसेज देता है कि फला गांव के फला बंदे हैं आप पर या रसूल अल्लाह दरूद पढ़ा, उसका गांव ये है, उसका नाम ये है, उसका महीना ये है। कौन सुनता है? फरिश्ता सुनता है। कौन सुनता है? फरिश्ता सुनता है। तो फिर मुझे कहने दिया जाए जब खुदा फरिश्तों को इतनी ताकत दे सकता है तो अपने महबूब को क्यों ताकत नहीं हो, अपने महबूब को ये कुदरत क्यों नहीं दी? पता चला, मालूम ये हुआ अगर फरिश्ता सुनने की ताकत रखता है तो उससे कहीं ज्यादा ताकत नहीं देता कास्ता। देखो मैं आपको एक हदीस पर ताजी ताजी बयान करूं जो आपने कल जुमा पढ़ी है। आपका ईमान है, आपका ईमान ये है
कि जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है अजान होने के बाद, जब तक इमाम मिंबर पर नहीं आता वहां तक मैं गेट पर दो फरिश्ते खड़े रहते हैं, और जैसे तुम अंदर एंट्री देते हो आपका चेहरा दिखता है, नाम लिख देता है, ये एहसान जोड़िया आए, ये इब्राहिम भाई आए, ये चांदरा, ये हाफिज साहब आए, ये अबीबा आए। जैसे आप अंदर दाखिल होते हो, जैसे भी आप अंदर एंट्री करते हो, वो फरिश्ता आपको देखता है और आपका नाम लिख देता है कपड़े में। मुझे बताओ उसको कौन नाम बताने गया था? ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। क्या मतलब? खुदा ने उनको, उन फरिश्तों को ऐसी ताकत दी है कि चेहरा देख ले तो नाम भी पता चल जाए। तो तमाम फरिश्तों को खुदा ने मुस्तफा के नूर के सदके में बनाया, जिसके सदके में बनने वाला फरिश्ता चेहरा देखे उसको नाम का पता चल जाए, तो जिसके सदके में बनाया वो फरिश्ता इतना मकाम रखता है तो ज़ाते मुस्तफा के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, दूर नजदीक के सुनने वाले को कान काने लाले करम पे लाके सलाम, खूब की शेरे चवन फूल चुने शान रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, आइए दुआ के लिए सलाम करें।